जम्मू कश्मीर में हम आयुर्वेद पद्धति को भी प्रमोट कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी के मंत्रालय से जगह जगह आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गाँव में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों का विश्वास स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर ज़्यादा है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस दिशा में भी रिसोर्सेज की कमी न होने पाए। चूँकि माननीय मंत्री जी आज यहाँ मौजूद हैं, उन्हें बताना मैं आवश्यक समझता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र देश के बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को अत्याधुनिक बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान किया है और उसी वजह से हमने इस क्षेत्र में जिस स्पीड और स्केल पर काम किया है वह उपलब्धियों में नजर आने लगा है। आज़ादी के 67 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा रजौरी मेडिकल कॉलेज दिया जम्मू कश्मीर को। जून 2017 में कठुआ एवं डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। 2016-17 में ही पहली बार दो नए एम्स जम्मू और कश्मीर को अलग अलग मिले। 5 नए नर्सिंग कॉलेज 2016-17 में जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 140 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं।